हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल के व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग दार्जिलिंग के लिए निकल गए थे, तो अभी हम लोग हैं रास्ते में, दार्जिलिंग जा रहे हैं। तो हम दार्जिलिंग पहुंचेंगे तब तक तो रात हो जाएगी। रास्ता बहुत घुमावदार है, बहुत मोड़ है इसमें, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया है। बट देखते हैं, रास्ता आगे आगे और थोड़ा टफ होता जाएगा या फिर ऐसा ही रहेगा। तो चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको सारा व्यू। बच्चे कर रहे हैं फुल एंजॉय और हस्बैंड भी फुल एंजॉय कर रहे हैं, बट मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। पहाड़ों पे ऐसे मुझे याद है, मैं एक बार गुलमर्ग गई थी तो वैसे ही रास्ता था, तो उस टाइम भी इतना ही डर लगा था। ये सेम रास्ता मेरे को ऐसे लग रहा है, अभी मैं वही गुलमर्ग जा रही हूँ, सामने पहाड़ और छोटा सा रास्ता। डरा मत मुझे, कैसे हो तुम दोनों, अपने मम्मा को डरा रहे हो। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तांडी साहब ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, वरना इतने मोड़ वाले रास्ते पे ड्राइविंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्सपर्ट ड्राइवर ही यहाँ पे ड्राइविंग कर सकता है, क्योंकि मोड़ इतने डेंजरस है और रोड बहुत छोटी है, और उसमें भी सामने से गाड़ी आ जाए तो और भी टफ हो जाता है। तो अभी हमने थोड़ी देर गाड़ी रोकी है और बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं हम। दार्जिलिंग फिर भी यहाँ से कम 30-35 किलोमीटर आगे और ऊपर है, पर थोड़ी देर हम लोग रुके हैं यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं आगे दार्जिलिंग के लिए। और दार्जिलिंग दिखा रहा है अभी 33 किलोमीटर, दिख कुछ नहीं रहा है आगे, फॉगी फॉग है बस और कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब देखते हैं, फिर थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे होटल शॉप घर सब कुछ थे, तो थोड़ा सा फॉग भी कम था यहाँ पे और लाइट वाइट से दिख भी रहा था, तो थोड़ी देर हमारा रास्ता फिर साफ रहा। और फिर थोड़ी देर और आगे जाने पर फिर से वही रास्ता, फिर कुछ नहीं दिख रहा है, सब वही हो गया था। तो एक्सपीरियंस बहुत ही डरावना था मेरे लिए तो, बाकी इन्होंने बहुत एंजॉय किया था, बट मैं बहुत डर गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आज लेट हो गया है और बहुत गलत फंस गए हैं अभी। ये बोल रहे हैं कि टेंशन मत ले, बट मुझे बहुत टेंशन हो गया था। मम्मी की बहुत याद आ रही थी उस टाइम और बहुत डर लग रहा था मुझे। सिनो कुछ मत बोल बेटा, अभी कुछ डिमांड नहीं, गाड़ी नहीं रुकवाऊंगी मैं अब। और ऊपर है क्या, पूछूं क्या यहाँ पे? ये दार्जिलिंग का, दार्जिलिंग तो अभी तक 30 किलोमीटर दूर है। कितना? 30 किलोमीटर। तो ऊपर क्या होटल वगैरह है? सब कुछ है, होटल तो बहुत है, खाना रेस्टोरेंट सब सब है। 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर मोर हिल है, मोर हिल। थैंक यू भैया। कौन सा रूट है ये वाला? रास्ते में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बार बार मेरी नज़र सामने ही जा रही थी, क्योंकि फॉग था, कुछ दिख नहीं रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे गाड़ी को मैं कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि ड्राइवर से ज़्यादा टेंशन गाड़ी में जो पास में बैठा होता ना, उसको टेंशन रहता है कि गाड़ी सही से चला रहा है कि नहीं चला रहा है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे टेंशन हो रहा था, मैं बिल्कुल सामने ही देख रही थी। और फिर बस चले जा रहे थे। बार बार मन में यही सोच रही थी, यार दार्जिलिंग कब आएगा। और वही 30 किलोमीटर का सफ़र इतना लंबा लगा, हमें कम से कम 2 घंटे लगे वहाँ पर पहुँचने के लिए, क्योंकि इतना मोड़ था ना रास्ता, बहुत छोटा रास्ता, कुछ दिख नहीं रहा था। और मुझे तो बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं आई ही क्यों। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। दार्जिलिंग नाइट व्यू, यह है दार्जिलिंग का रात का नजारा। अभी शाम को 7:30 बजा है और हम लोग अभी दार्जिलिंग के ऊपर से 5 किलोमीटर दूर है तो जा रहे हैं, वहाँ होटल बुक है।
आया हूँ, ये दार्जिलिंग है पूरा। मैं जो ही वीडियो बनाती मेरी आवाज़ चुप हो जाती थी, और जो ही फ़ोन बंद करके रखती तो इतना चिल्लाती थी कि यार क्यों आई मैं, गलत आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा है, जहाँ पे हैं यहीं रुक जाते हैं, कहीं भी होटल है तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, सुबह चढ़ेंगे फिर ऊपर और बाद में सुबह जाएंगे। पर भाई ये बोले आए हुए हैं तो पूरा ऊपर ही चलते हैं ना, उधर दार्जिलिंग पर ही स्टे करेंगे। हम डर रहे हैं ना बेटू। तो आ जाओ बैठ जाओ फिर। तो अभी आ गए हम दार्जिलिंग और बहुत डर गई थी मैं, बहुत डर लगा मुझे, मैं रोने सी लग गई थी। और बहुत डर लगा, बहुत ही ज़्यादा डर लगा मुझे। मेरा ये हिल स्टेशन पे घूमने आने का मेरा लास्ट ट्रिप है, अब मैं इसके बाद कभी नहीं आऊँगी कहीं भी। अगर हिल एरिया होगा मैं वहाँ पर ट्रैवल नहीं करूँगी। इसको बहुत हंसी आ रही है, मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत डर गई थी, पर अभी मेरा गला नहीं काम कर रहा, मैं इतना डर गई थी, चिल्ला रही थी। और सीनू सो गया है, आयुष नहीं सोया अभी, आयुष मजे कर रहा अपना, उसको अच्छा लगा बहुत, मुझे नहीं अच्छा लगा। उसके पापा बाहर गए हैं अभी होटल देखने के लिए नियर बाय। मेरा को बोला पर मेरा मन नहीं था, मैं गाड़ी में ही थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती हूँ थोड़ी देर, मैं उनको मना कर दिया इसीलिए। तो चलो मिलते हैं आपसे या तो अभी थोड़ी देर बाद नहीं तो फिर मॉर्निंग में। भगवान चढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो अभी हम आ गए हैं होटल में और अभी हमने कर लिया होटल में चेक इन, और अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, अभी पागल हो गई हूँ मैं आज। मौसम प्लस ऊपर से अंधेरा, ऊपर से पूरा फॉग, कुछ दिख नहीं रहा है, तो मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था आज की। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बस पहुँच जाऊँ, मम्मी की बहुत याद आ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ये मेरे साथ ही थे। नॉर्मली कुछ भी होता है, अगर मुझे ऐसे कभी लगता है कि किसी चीज़ का डर लगता है या मैं प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ तो या तो मुझे इनकी याद आती है या फिर मम्मी की याद आती है, तो ये तो मेरे साथ ही थे। इन्होंने तो मुझे मुसीबत में डाला था, इधर दार्जिलिंग का मैन जो था वो इन्हीं का मूड था, इन्हीं का प्लान था, तो मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मम्मी बहुत याद आ रही थी। और क्या बोलूँ, थोड़ा सा पार्किंग से चढ़ के आई तो भी मेरी सांस ऊपर चढ़ गई थी। अभी सुबह बस सही सलामत वापस नीचे पहुँच जाऊँ। फ्रेंड्स सच में बहुत डर लगा मुझे, और रूम दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये यहाँ से सुबह हम अपन को व्यू दिखेगा पूरा, और यह बेड और इधर है ये टीवी लगा हुआ है, और
सही है। तो अब बहुत थक गई हो, आज तो नींद भी नहीं आएगी, मेरा सर भारी हो गया क्योंकि पहाड़ी पे जो घूम रहा था राउंड 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 पूरा मेरा वो हो गया, सर दर्द अभी शुरू, तो थोड़ा सा अभी रेस्ट करना है मुझे, नींद आ जाए बस मेरे को। यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है घर सारे कहाँ कैसे खड़े हैं पहाड़ों पे, कहीं कुछ गिर विर ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो बहुत डर लग रहा है अभी भी मुझे, पर ये है साथ में, ऐसा कुछ वो नहीं। पर आयुष चलो खाना खाने चलते हैं, रेडी हो गया, चलो खाना खाने चलो 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 कम्बल ले लो उठा के, हमारे लिए काम चल जाएगा। चलो चलो हीटर लॉक कर दो। कौन से फ्लोर पे है? कौन से फ्लोर पे है? चॉकलेट कॉफी पापा हमको बोलो बन चॉकलेट कॉफी पापा मुझे रहा मेरा बिलू मम्मा बिलू मम्मा हाँ बिलू वाव वापस होटल में खाना खा के। तो आयुष कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा है। सिलू आपको कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। और आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया होटल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा होटल है। सिलू कैसा लगा होटल? अच्छा लगा, चॉकलेट लगा। चलिए फ्रेंड्स आपको मॉर्निंग व्यू दिखाएंगे फिर सुबह, तो मिलते हैं आपको मॉर्निंग। चलिए बाय, गुड नाइट। बहुत ठंड है यहाँ पे अभी चल रहा अप्रैल और ठंडी बहुत है। Saturday, Saturday.
यार तुम बार तुम।